आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप उपस्थित हुए। मैं कांग्रेस पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के लिए जनता को बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। शुरुआत होती है कि 99 में हमारी दो सीटें थी नगर निगम में, 2004 में दो, 2009 में तीन और 2015 में सिफर, एक भी सीट नहीं। ये हमें याद रखने की बात है। अगर हम पार्षदों का गिने, कितने पार्षद पिछली दफे थे हर नगर निगम में, गिनती और असली नतीजे पार्षदों से आते हैं, कितने पहले पार्षद थे और अब कितने पार्षद हैं। हमने 11 सीटों में से हम तीन जीते हैं। उज्जैन में अभी तक झगड़ा पड़ा हुआ है, आम आदमी पार्टी एक जीती है और बाकी भारतीय जनता पार्टी जीती है। किस बात का जश्न भारतीय जनता पार्टी मना रही है जब ये इतनी नगर निगम में हाटी खारी और इतने वार्डों में हारी, प्रश्न ये है। और तीन सीटें बुरहानपुर, हमने तो तीन सीटें छीनी। बुरहानपुर में हम 600 कुछ वोट से हारे, 388 वोट से हारे। उज्जैन में अभी तक झगड़ा चल रहा है, वहाँ भी 600-700 की हार जीत की बात हो रही है, उज्जैन जैसे जगह। ये आज मुकाबला हमारा भारतीय जनता पार्टी से केवल नहीं था। और फिर से मैं जनता को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने पुलिस, पैसे और प्रशासन से मुकाबला किया। खुलेआम नंगा नाच पुलिस, पैसे और प्रशासन का। तो जो बीजेपी कहते हैं वो जीती है, वो केवल जीती नहीं है, ये पुलिस, प्रशासन और पैसा जीता है। ये हमें याद रखना है। 15 महीनों में फिर से विधानसभा का चुनाव होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार जनता ने हमारा समर्थन गांव में दिया है, जिला पंचायतों में, ये झूठे आंकड़े देने से ये कुछ नहीं होने वाला। खरीदने से कुछ नहीं होने वाला, आप खरीद लेंगे, आप दबा लेंगे, आप अंत में उनकी मन मंशा और उनकी आत्मा क्या कहती है ये गांव में मतदाताओं ने अपनी बात व्यक्त करी है। कितने उदाहरण आए दबाने के, डराने के, पर जो दब गया, जो डर गया, विधानसभा चुनाव में भी वह इसका सामना करेगा। हमें ये बात याद रखनी है। तो मुझे बड़ी खुशी है और मैं तो हर कांग्रेस जन को बधाई देता हूँ, हर कांग्रेस जन को बधाई देता हूँ, आम जनता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से ही नहीं पर साथ साथ पुलिस, पैसा और प्रशासन का मुकाबला किया। आम आदमी पार्टी का वो एक सीट जो छिंगरौली जीते हैं, पर अगर आम आदमी पार्टी की बात होगी तो केवल तीन पार्षद जीते हैं। ये हमें याद रखना, जो जो मेयर जीत रहा है वहाँ केवल तीन पार्षद जीते हैं। आम आदमी पार्टी इसका मतलब वहाँ साफ थी। हाँ वो तो बात साफ है, वो तो आंकड़े बताते हैं क्यों हमारे। देखिए ये ओवैसी की पार्टी जो बी टीम बन के भारतीय जनता पार्टी की है, ये तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग भी आ गई कि उनके सब लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। तो ये बात मैं सोचता हूँ कि अच्छा हुआ, ये खुलासा हो गया कि ये इनकी पार्टी कहाँ खड़ी है, किसके साथ खड़ी है। हम जबलपुर में भी उन्होंने कांग्रेस लड़ाए थे, उन्होंने सब जगह लड़ाए, पर केवल बुरहानपुर में उनको लगभग 10,000 वोट मिले हैं। हमारे अच्छे पार्षद जीते हैं ग्वालियर में, हमारा अच्छी जीत हो रही है। अभी मुझे दास जो खबर है 27,000 से जीत रहे थे। तो ये 50 साल बाद हम ग्वालियर जीत रहे हैं, ये भी एक नया इतिहास बना है।
महाकौशल में अच्छा प्रदर्शन, महाकौशल में अछा प्रदर्शन किया, जबलपुर भी जीते, छिंदवाड़ा भी जीते। एक बात आपको याद रखनी है, आपने छिंदवाड़ा का जिक्र किया, छिंदवाड़ा अगर हम तुलना करें नगर निगमों की, नगर निगम में जबलपुर में 9,55,000 वोटर हैं, ग्वालियर में 12,70,000 वोटर हैं, छिंदवाड़ा में केवल 1,90,000 वोटर हैं, जिसमें से 1,31,000 ने वोट डाली। छिंदवाड़ा, आपने छिंदवाड़ा की बात करी ना, छिंदवाड़ा में हम जनपद सब जीते, जिला पंचायत सब जीते, अब नगर निगम जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से नगर निगम, पार्षद की बहुमत, जनपद और जिला पंचायत हम सब जीते, और वो भी तब छिंदवाड़ा की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं तो केवल 1.5 दिन था छिंदवाड़ा में, मेरे गैर हाजिरी में छिंदवाड़ा की जनता ने मुझे प्यार और विश्वास दिया। हाँ, नहीं 25 से मिल गया 20 साल बाद। देखिए मैंने कहा कि वार्ड का प्रदर्शन देखिए, और जो ये आप न्यूज आ रही है मैं इस पर नहीं जा रहा, जैसे अभी टीवी में मैंने देखा कि दमोह में कांग्रेस हार गई, दमोह में कांग्रेस जीत रही है, और ये आज जो टेलीविजन में आ रहा है कि ये यहाँ वो हो गया, फलाने वार्ड हो गई, ये सब ये रिजल्ट आने देंगे। आप वार्ड की तुलना करिएगा, पिछली दफे कितने वार्ड थे और अब कितने वार्ड है, वही बारीकी अध्ययन किया जा सकता है। ये जीत छिंदवाड़ा की जनता की। ये इंदौर और भोपाल में हम इसका अध्ययन करेंगे, हमने पूरी प्रयास, हमने पूरा प्रयास किया, पर हमारे पार्षद डबल हुए हैं, याद रखिएगा, इंदौर और भोपाल में भी अभी तक जो गिनती चल रही है हमारे पार्षद डबल हुए हैं। बिल्कुल, देखिए सत्ताधारी पार्टी को हमेशा एडवांटेज होता है डराने धमकाने दबाने का। अभी उज्जैन में चल रहा है, उज्जैन में चल रहा है, अभी कुछ विवाद चल रहा है, मैंने बात करी है वहाँ, मैं बात कर रहा हूँ सबसे। अच्छा सर, दोनों ही पार्टीज विक्ट्री क्लेम कर रही है, कांग्रेस भी और बीजेपी, तो आप हमें बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी को कितना परसेंट वोट मिला है इलेक्शन में और बीजेपी? ये मैं नहीं बता सकता, ना आप बता सकते हैं, ना कोई यहाँ बैठा हुआ बता सकता है परसेंटेज, ये तो कल तक, कल शाम तक ये आंकड़े आएंगे। हाँ मैं तो कह रहा हूँ साफ बात है, जो कितने वोट जीते उसका आप गिन लीजिए। हर चुनाव का अपना महत्व होता है, जिला पंचायत ये मत बोलिए कि सबसे महत्वपूर्ण जिला पंचायत और जनपद के चुनाव, उसके आंकड़े भी साफ आ रहे हैं कि इतने कांग्रेस के इतने बीजेपी के, इसके आंकड़े साफ आ रहे हैं। मैं बिल्कुल उत्साहित हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैंने तो कहा कि बेहतर परफॉर्मेंस के लिए मैं तो धन्यवाद दे रहा हूँ, और आप सब अब आइए मिठाई खाइए। थोड़ा सा तो सर आपको तो फोन करना, आपके आशीर्वाद को भी थोड़ा सा, चलो ये लो मिठाई। सॉरी।
भाई इधर आओ, इधर साहब बॉस।